गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं जाग गया हूँ सुबह ज़्यादा जल्दी, और आज मुझे जाना है कहाँ पे, गुरु है। तो मैं रेडी हो रहा हूँ, नहीं तो बस छूट जाएगी। तो मैं अभी निकल गया हूँ घर से रेडी शेडी होके, तो अभी चलते हैं बस स्टैंड की ओर। वहाँ पे एक भाई वेट कर रहा है, तो उनसे मिलते हैं जल्दी से, फिर बताते हैं आपको कि कहाँ पे है गुरु घर। गलती हो गई एक, मुझे बोला था 8:45 पे पहुंचना है, और मैं 7:45 का सोच के जल्दी निकल गया। अब रास्ते में हूँ, अब सोच रहा हूँ कि यहाँ पे ही बैठूँगा, वेट करूँगा, देखते हैं दुनिया सुनिया देखते हैं और वेट करते हैं। तो अभी वेट कर रहे हैं, तो सोचा कुछ ड्रिंक किया जाए, तो आइसक्रीम पी रहा हूँ के साथ बैठ के। सब अपने आप को साफ कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए। तो ये हो रही है गुड मॉर्निंग साइप्रस में, ये सूरज मामा जाग रहे हैं। ये देखो भाई साहब, मेरी ड्रीम बाइक आ रही है। बस तो ये लगी हुई है, अभी भाई वगैरह आए नहीं है, वेट कर रहा हूँ उनका। पता नहीं ये वाली बस भी है या नहीं, चलो देखते हैं। आ चुका है, ये पीछे आ रहा है। अब जा रहे हैं हम गुरु घर पे। हाँ भाई, कहाँ जा रहे हैं? ये वाली बस में जा रहे हैं हम, तो इसमें मैक्सिमम पंजाबी हैं, सब वहीं पे जा रहे हैं, गुरु घर ही जा रहे हैं। आ गए हैं यहाँ पे, पहले रिचुअल आपने पाँव धोने होते हैं। ये किया नलका ऑन, पानी आया, तो फिर हम यहाँ पे लेंगे परिक्रमा, इसको बोलते हैं राउंड। माथा टेक लिया और सुबह की चाय और पकौड़ा खाया। यहाँ पे साइप्रस में गुरुद्वारा आने के लिए सोलोमन स्क्वायर है, यहाँ पे मेन सबको पता होता है जो भी यहाँ आता है निकोशिया में, वहाँ से मिलती है एक बस, और वहाँ से 3 रुपये लेते हैं किराया। सभी पंजाबी भाई वगैरह जिन्होंने जो भी जिसकी मन हो श्रद्धा हो वो यहाँ पे आता है, और घर का फील आता है, शांति मिलती है, सुकून मिलता है। मैं भी आया हूँ, काफ़ी सुकून मिला। तो अभी बस प्रसादा खाएंगे और फिर वापस चलेंगे। अभी हम गुरु घर से आ गए हुए हैं, तो ये दोस्त वगैरह बैठे हुए हैं, और लेकिन हमें बस नहीं मिल रही, खज्जल हो गए हैं। फाइनली हमें बस मिल चुकी है, बैठ चुके हैं हम बस में। और बस चला रही है एक लेडी ड्राइवर। ये बस थी मेरी, मैं आया हूँ सोलोमन स्क्वायर में, और यहाँ पे कुछ चल रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको।
चल रहा है कुछ, फर्स्ट एनिवर्सरी है मिस कॉर्डिलेरा का, मिस कॉर्डिलेरा का अभी रिजल्ट आने वाला, दिखाएंगे ये कौन बनता है। ये 5-6 देखते हैं। यहाँ से रोना आ जाएगा नहीं तो मुझे इनकी ड्रामा देख के। तो आज का ब्लॉग हो चुका है ख़त्म। तो आज काफ़ी रिलैक्स हुआ मैं, काफ़ी दिनों से मतलब कि हैक्टिक था और स्ट्रेस में था थोड़ा सा, तो गुरुघर जाके बहुत मज़ा आया, सुकून मिला। और जो भी भाई अगर आ रहे हैं बाहर किसी भी इंटरनेशनल कंट्री में, वहाँ पे इंडियंस के लिए टेंपल, मस्जिद वगैरह, चर्च भी है, उसके बाद गुरुद्वारे भी हैं, तो कहीं ना कहीं मिल जाता है, होता है, हर कंट्री में होता है, क्योंकि इंडियन काफ़ी हैं जो बाहर गए हुए हैं मैक्सिमम कंट्रीज में, तो मिल जाता है, जिसको जाना हो तो जा सकता है। रोज़ तो जा नहीं पाते क्योंकि बिजी शेड्यूल है, काम शाम करना होता है, जॉब है, स्टडी करनी है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो महीने में एक बार या संडे संडे को जा सकते हैं, और यहाँ पे साइप्रस में तो संडे को बस आ जाती है यहाँ अमेरिकन कॉलेज के पास सोलोमन स्क्वायर पे, तो वहाँ पे 8:45 पे बस आ जाती है। तो जिसे जाना हो तो मस्ट विजिट, मस्ट गो, एंड रब से। तो बाकी आज का व्लॉग यहाँ पे करते हैं ख़त्म। तो बस कहना चाहता हूँ, स्प्रेड लव, मेक लव, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड स्टे हेल्दी हैप्पी। हाँ, वन मोर थिंग यार, बताना भूल ही गया, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जिसने अभी तक नहीं करा है प्लीज़ कर देना। चला बीस्ता, खाओ बादाम पिस्ता, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।